नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं 45 दिन का जो रीडिंग कैंपेन चलना है 1 नवंबर से। पहले सप्ताह की प्रथम सप्ताह की गतिविधियां आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये 45 दिवसीय पठन अभियान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों में अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। धन्यवाद। बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ, यानी यहाँ पर 3 स्तर की गतिविधियाँ प्रेषित की जा रही हैं, जो बाल वाटिका से कक्षा 2 के बच्चों के लिए अलग है। यहाँ पर प्रत्येक डे बाई डे कार्यक्रम निर्धारित है, वह बच्चों से पढ़वाना है। और कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ एक अलग समूह, यानी 3 समूहों में, जो बाल वाटिका से लेकर के 2 तक और 3, 4, 5 के लिए 1 और 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ अलग, यानी 3 भागों में दी गई हैं। डे बाई डे कार्यक्रम है। पठन कार्यशाला का आयोजन, इस सप्ताह शिक्षक, बच्चे एवं समुदाय के लोग मिलकर पठन कार्यशाला का आयोजन करें। इस कार्यशाला में 2-3 विशिष्ट अतिथियों एवं व्यक्ति समुदाय से, 1 व्यक्ति शिक्षा विभाग से, 1 व्यक्ति पंचायत से को आमंत्रित करें, जो कोई कहानी मजेदार तरीके से बच्चों को सुनाएं। पठन कार्यशाला की अन्य गतिविधियां बच्चे एवं शिक्षक मिलकर स्वयं तय करें। पठन कार्यशाला में सभी बच्चे एवं शिक्षक अपनी पसंद की कोई कहानी, कविता, अन्य पठन सामग्री चुनें और सभी के समक्ष मजेदार तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए पठन कार्यशाला से जुड़ी कुछ प्रमुख गतिविधियां नीचे दी जा रही हैं, जिनको बच्चे एवं शिक्षक अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। कहानियों का प्रस्तुतिकरण, कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव तरीके से, लयबद्ध तरीके से, नाटक मंचन, पुस्तक पठन, मुखर वाचन एवं स्वतंत्र पठन, अपनी भाषा एवं कहानियों को सुनना, 2-3 बच्चों द्वारा मिलकर कहानी सुनाना, अलग अलग पात्रों की आवाज़ों में कहानी सुनाना, किसी कहानी या किस्से को गा कर सुनाना। विशेष यह है कि चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली, हर सप्ताह चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली का एक एपिसोड आपके साथ साझा किया जाएगा, जिसे आप बच्चों के साथ मिलकर के जरूर देखें। ऑनलाइन संसाधन दीक्षा का पोर्टल है, NCERT वेबसाइट है, NVT वेबसाइट है, लिटरेसी क्लाइड है, स्टोरी वीवर है, प्रथम बुक्स हैं। तो इस तरीके से हमें ये 45 दिन का रीडिंग कैंपेन की सामग्री आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप ले सकते हैं और उस पर कहानियों पर क्लिक करके आप बच्चों को सामने कहानी सुना सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और आगे ऐसे ही शैक्षिक वीडियो प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।